शादी बहुत ही अजीब हालातों में हुई है, लेकिन शादी हुई है। अनामिका मेरी जिम्मेदारी है और अब ये यही रहेगी। दो घंटे हुए हैं इस लड़की से मिले हुए और ये तेरी जिम्मेदारी हो गई। और वो परिवार जिसने तुझे पाल पोस के बड़ा किया उसका क्या? जिस माँ ने तुझे 9 महीने कोख में रखा, तुझे इस दुनिया में लेके आई उसका क्या? दादी माँ, जिससे भी हम कुछ कहे, दादी माँ माफ कीजिएगा। आपका आशीर्वाद दिए बिना ही, आपसे बिना पूछे आपको हमने दादी बुलाए। वो हम अमनाथ है ना, खुद को रोक नहीं पाए और आज से पहले कभी किसी को दादी नहीं बोला। हम आपकी बात को समझ सकते हैं, किसी अनाथ को अपनाना इतना आसान थोड़ी ना होता है। अनामिका, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम सब यही बात है, यही सही है। अगर हम अनाथ नहीं होते, या हमारे सर में हमारे माता पिता का हाथ होता, तो वो गांव वाले वो हमारे साथ ऐसा सलूक कभी नहीं करते। आपका परिवार ये सब हमें नहीं डुबराता। आप उस भीड़ में सबसे लड़ गए, हमारी मौत की जिंदगी में तो बदल दिया, लेकिन एक अनाथ की किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। हमें ना वो टुकराए जाने की आदत है। हम चलते हैं। आप सब चिंता मत कीजिए, हम वो गांव तो नहीं जा सकते, लेकिन कोई बात नहीं, वो हम कोई ना कोई ठिकाना जरूर ढूंढ लेंगे। माँ, अपना घर होते हुए कहीं और ठिकाना ढूंढने क्यों जाओगी? ठीक कहा अनामिका, अनाथ को सब ठुकराते हैं। पर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ इंसान का दिल देखकर उसे अपनाते हैं, उसका सर नहीं देखकर नहीं। हमारे परिवार ने
हमें ऐसे ही तो अपनाया था। भाभी आप भी, हमारा भी इस दुनिया में कोई भी नहीं था अनामिका, लेकिन अब देखो आप। हमारा परिवार इतना बड़ा है कि अगर एक साथ सारे हमारे कमरे में खड़े हो जाना तो पूरा कमरा भर जाता है। एक सीक्रेट बताएं, जितना बड़ा हमारा परिवार है ना, उससे भी ज्यादा बड़ा इन सबका दिल है। दादी माँ, आपने अपने प्यार से इस बगीचे को अपने हाथों से सींचा है। एक और फूल के लिए जगह नहीं हो सकती, प्लीज। हाँ माँ, ये समझ लीजिए कि जैसे माता रानी ने छप्पर फाड़ के खुशियां दी हैं, बड़ी बहू तो थी, आज छोटी बहू भी आ गई। हमारा परिवार पूरा हो गया माँ। हाँ दादी, अभी थोड़ी ही देर पहले इस घर में मातम बन रहा था, और अगर खुशियां आगे से आती हैं तो मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मेरे यंगर ब्रदर ने शादी की है, उसने अनामिका को इस फैमिली का हिस्सा बनाया है। आप भी प्लीज उसे इस घर का हिस्सा बना लीजिए, प्लीज। मम्मी ने इसे हमारी लाइफ में कुछ अच्छा सोच कर ही भेजा होगा ना। माँ प्लीज अब कुछ मत कहिएगा, बस अब प्लीज छोटी बहू को अपना लीजिए, प्लीज। अब कैसे ना कहे, सदा सुखी रहो छोटी बहू रानी। मिश्री बेटा, आरती की थाली ले आ। जी माँ। अनामिका बेटा, इस चावल के कलश को अपने पैरों से अंदर की तरफ गिरा दो। नहीं बेटा, ये नहीं, दायां पांव।
फांसी है मत, ये नई मुसीबत अब घर में प्रवेश कर गई है। बेटा माँ का आशीर्वाद लो। अरे बस 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 बस, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। मिश्री, अब तो जेठानी बन गई है, देवरानी से पैर नहीं छुआएगी। अरे ये तो रस्म है, अनामिका बेटा अपनी जेठानी के पांव छू के आशीर्वाद ले लो। नहीं नहीं, वो तो मैं बस मजाक कर रही है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ भाभी? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो शायद गलती से हमारा नाखून लग गया होगा, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं अनामिका। तो मतलब अभी से देवरानी जेठानी में नोकझोंक शुरू हो गई? सबका मुंह तो मीठा करा दे, हम अभी आते। पहले तुम दोनों ले। यस सीनियर बुढ़िया, अब सब फिर से शुरू होगा। अब ये घर मेरा भी सिंदूर की कीमत चुकाएगा। और मिश्री तू, तेरे आंसुओं की कहानी लिखेगी देवरानी। Excuse me. Meri ye stupid girl action hero kab se ban gayi? Okay. नाराज हो मुझसे? बात नहीं करोगे मुझसे? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने अपना म्यूट बटन ऑन क्यों किया है? इसलिए क्योंकि मैंने अपनी जान लेने की। माय स्टुपिड गर्ल।
तुम कब समझोगे? तुम सिर्फ मेरी वाइफ नहीं, तुम मेरी पूरी लाइफ हो। और अगर मेरी जान चली जाएगी तो मैं जिंदा कैसे? तुम ना बोलो तो कोई ना बोले। ठीक, अगर तुम्हें नहीं बोलना तो जो मुझे कहना है बिना बोले कह देता हूं। आपको माफ करेंगे, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह, तोड़ते डांटना शुरू। वेरी गुड मिसेज अवस्थी। और नहीं तो क्या, अक्रू अवस्थी की पत्नी है, इतना तो बनता है। अच्छा अर्जुन, कल करवा चौथ है, हम मम्मी से आपकी बहुत लंबी उम्र के लिए अर्जी डाल देंगे। अब बस ऑफिस से जल्दी लौट आना। ओके? यस माय लव। घर की बहुएं चाहे जितना व्रत रख ले, घर के बेटे मरेंगे जरूर। बिल्कुल नहीं, तो कर ली लेकिन नहीं, गड़बड़ हो गई। मैं ये कैसे भूल गई कि मुझे अब ये करवा चौथ का व्रत भी रखना होगा। So what? वैसे इस घर की बहुएं चाहे जितना व्रत रख ले, लेकिन घर के बेटे मरेंगे जरूर। सबसे पहले जाएगा अर्जुन और उसके बाद घर की सारी प्रॉपर्टी मिलेगी अर्जुन के छोटे भाई यानी कि मेरे पति देव अश्विन को। और फिर अश्विन के जाते ही सब कुछ किसका होगा? मेरा। तो प्रॉपर्टी के लिए ये व्रत तो मैं रख ही सकती हूँ ना? बिल्कुल नहीं। लगता है इसने सब सुन लिया। तेरा बैड लक तो देख यार, पति का वेट कर रही है पर आज वो नहीं आएगा। आएगी तो उसके मरने की खबर।
दो बॉटल खून निकाल लिया है। और निकालो, इसकी बॉडी में एक कतरा खून भी ना बचे। अनामिका, मैं जानता हूँ हमारी शादी बहुत ही अजीब हालातों में हुई है, लेकिन है तो हम एक दूसरे के लिए अजनबी ही ना, और तुम्हें एक अजनबी के लिए व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक गॉड इस इडियट ने कुछ नहीं सुना। आपने हमारी जान बचाई, आप हमारे लिए अजनबी नहीं, हमारे भगवान हैं। देखो, तुम्हें मुझे इतनी रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने बस वही किया जो एक डिसेंट इंसान करता, बस। कोई भी नहीं करता। हम कुछ कहना चाहते हैं, वो अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम आपके लिए करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं? तेरा बैड लक तो देख यार, पति का वेट कर रही है पर आज वो नहीं आएगा, आएगी तो उसके मरने की खबर। दो बॉटल खून निकाल लिया है। और निकालो, इसकी बॉडी में एक कतरा खून भी ना बचे। तेरा बैड लक तो देख यार, पति का वेट कर रही है पर आज वो नहीं आएगा, आएगी तो उसके मरने की खबर। दो बॉटल खून निकाल लिया है। और निकालो, इसकी बॉडी में एक कतरा खून भी ना बचे।